उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने पौड़ी पहुंचकर दिवंगत युवती के माता पिता से मुलाकात की, परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश की बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। रिजॉर्ट में बुलडोजर को जनभावनाओं के अनुरूप चलाया गया है ताकि ऐसे रिजॉर्ट में घिनौना कार्य न हो और बेटियां सुरक्षित रह पाए। इसके साथ ही कहा कि सरकार मृतका के परिवार की हर संभव मदद करेगी। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। साक्ष्य मिटाने की ही यदि बात होती तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता, ऐसे लोगों को आयोग जैसी वैधानिक संस्था से बाहर नहीं किया जाता। मैं समझती हूँ कि ये कार्रवाई अपने आप में साफ बताता है कि सरकार की मंशा क्या है। बुलडोजर चलाने वाली बात है तो जनभावनाओं को देखते हुए और उसकी पुष्टि करते हुए तभी उस पर बुलडोजर चलाया गया, अन्यथा कोई अन्यथा मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से क्योंकि सब प्रक्रियाएं नियमों और कायदे कानूनों के अनुसार की जाती हैं।